हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय माँ अंगवासिनी। देखिए, मैं आप सबको एक बात बताऊंगी। अभी किसी ने ना मुझे व्हाट्सएप पे एक फोटो भेजी टेरेस पे परी की। वो तो आजकल कोई भी कोरियोग्राफी कर सकता है। तो मुझे भेज के बोलता है, माँ माता जी ये होती है शक्तियाँ। तो पहली बात तो मैं आपको एक बात बताऊंगी कि मैं तुम सब इस मामले में तुम सबकी बाप हूँ। मैं शक्तियाँ कभी प्रत्यक्ष दर्शन देके आप उनको फोटो में कैचअप नहीं कर सकते। अगर गलती से आपने उसके कैमरे से फोटो निकालने गए तो वो तुरंत आपका डिस्प्ले उड़ा देंगे और तुरंत आपकी जान ले लेंगे। क्योंकि जब तक आप उसकी फोटो खींचोगे तब तक वो फोटो में से घुस के, क्योंकि वो हवा है, आपका क्या हर्ष करेंगे वो जानते नहीं हो आप। ये बहुत बड़ी बात होती है। परसों है पूर्णिमा, मैंने पहले ही बोला है। देखिए, मैं इस वक्त उस हालत में हूँ, ऐसे मत सोचो, मेरी शक्ल में मत जाओगे दीदी ऐसे बैठी ऐसे बैठी, तो ऐसा है। मैं उस कदार पे हूँ जिस कदार पे आदमी इंसान आराम से, मतलब कभी भी आराम करने की जगह मैं मेहनत करूँ तो मेरी जगह दूसरी औरत रहेगी तो आराम से आराम करेगी, किसी की बातों पे ध्यान नहीं देगी। लेकिन अब केशव आने का टाइम हो चुका है। केशव का एकदम अभी, मतलब एकदम कहते हैं ना, मैं लास्ट स्टेज पे हूँ, कभी भी केशव का हो सकता है। थोड़ी बहुत रुकावट हो रही है तो अभी हम अमावस्या से लगे हुए हैं। जब से लगे हुए धीरे धीरे रास्ता बहुत अच्छा खुल रहा है, क्योंकि मेरी एक जिद है कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी घर में ही चाहिए, वो होगी ज़रूर। तो और कुछ बातें ऐसी हैं कि मैं परसों, देखो मैंने आपको बोला ना, लॉटरी का या गिफ्ट का सबका पैसा मिल जाएगा, गुरुवार तक शुक्रवार तक मिल जाएगा, क्योंकि छुट्टी और सबको धीरे धीरे जा रहा है। थोड़ा शांति रखो। अगर मेरे पेट में बच्चा नहीं होता ना तो मैं आप सबके घर तक सब चीज़ें करवाती। थोड़ा लेट हुआ समझ रहे, लेकिन लेट देखो सब्र का फल मीठा होता है। जिसने आज तक सब्र किया उसको मिला है, और जिसने आज तक मुझे उल्टा बोला है, बात किया है उसकी, तो मैंने जो बैंड बजाई वो किसी ने नहीं बजाई। और दूसरी बात, कुछ बातें ना मुझे किस, मतलब झूठ नहीं बोलूंगी, 1 तारीख से, आज हो गई है 26 तारीख, इस 26 दिनों में मुझे कुछ बातें लोगों की खटक रही हैं। मतलब क्या होता है मालूम है कि इंसान ये बात सोच लेता है कि, मतलब बहुत बार हो चुका है, पहले मिली ना मेरे दिमाग से खेलते थे, ये होता है। मैं ये बात थोड़ा, आज की वीडियो लंबी है लेकिन थोड़ा सुनोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये बातें लंबी, लोगों को ना दूसरों के बीच में इंटरफेयर करना बहुत पसंद है, लोगों की चीज़ें करना बहुत पसंद है, करते भी वही है, मतलब करेंगे भी और भरेंगे भी। मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो दोनों, मतलब दो नाव में सवार होते हैं। मेरे को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब जो हमारी भी गुणगान गाए सामने की भी गाए, अपनी बात नहीं देखेंगे दूसरों का सोचेंगे और सोचेंगे कि। और ये बात, एक बात और मुझे बहुत बुरी लगती है, आपके सामने बहुत अच्छा बन के लोगों को चढ़ाना भड़काना, इसकी बातें इधर उधर की बातें इधर इधर की बातें उधर करना, वो मुझे बहुत गलत लगता है। क्योंकि आईनी अमलेत में कुछ देखा है मैंने, मैं 1 तारीख से सारी बातें नोटिस कर रही हूँ और अब जाके बातें पूरी तरह से मेरे सामने आई हैं। तो क्या है ना, वो डायरेक्ट नाम लेने से आदमी, देखो चोर कभी बोलेगा नहीं कि हाँ मैंने चोरी की है, कि कुछ बातें हैं दिमाग में। और यही नहीं, आप सबके लिए भी, कि कुछ ऐसा करने जा रही हूँ मैं जो मतलब बहुत बेकार होगा। क्योंकि आज तक मैंने जिंदगी में जब से पूजा पाठ किया, मैंने अपनी कुछ शक्तियों को कभी नहीं छोड़ा है। मेरे पास चंडाल शक्ति है, यक्षिणी है, शमशान यक्षिणी है, बता रही हूँ ना, फिर क्या बोलते हैं, अज्ञा बैताल है, और मैं तो बोली मैं तारा माँ का और वो करने वाली हूँ। तो ये सारी शक्तियों को मैं परसों पूर्णिमा के दिन छोड़ने वाली हूँ। हम लोग हवन करेंगे, जाप करेंगे। चंडाल तो मेरे बाजू में, मैंने बोला ना मेरे बाजू में एक पेड़ है। मैंने एक बार बहुत पहले आपको वीडियो बनाई थी, भले मैं नशे में रहती थी लेकिन मेरे को वो वीडियो पूरी याद रहती कि मैं कौन सी वीडियो बनाती थी। मेरे बाजू में एक पेड़ है जिसमें चंडाल, भूत प्रेत हर एक चीज़ है, जो रात को जानवर या इंसान के रूप में बरोबर मेरे घर के सामने घूमते हैं। मेरे घर के सामने कोई रुक नहीं पाता है, अगर कोई रुकने की कोशिश करे तो तुरंत उनकी बैंड बजाते हैं। तो इस चंडाल को मैं परसों छोड़ूंगी, क्योंकि चंडाल जब परसों छूटेगा ना तो वो उनके पास जाएगा, क्योंकि मुझे कुछ लोगों के नाम चाहिए। ऐसे तो नाम कबूल करने से रहे, तो मैं कुछ ऐसे लोगों पे, मैं चंडाल को सिर्फ छोड़ूंगी कि मुझे उन आदमी का नाम चाहिए कि वो जाए और ऐसे लोगों को सामने लाए, मतलब सामने वाला अपने आप भौंक भौंक के बोले कि हाँ मैंने ये गलती की है और अभी बहुत हो गया। मतलब मुझे ना कोई बातें को, मैं किसी के बीच में नहीं बोलती, मैं कभी किसी के चीज़ों पर नज़र नहीं रखती, कुछ नहीं करती, लेकिन अगर कोई मेरी चीज़ों तक आए तो मैं छोड़ती हूँ। और दूसरी बात, मुझे बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरे सामने आके मीठा मीठा बोल के मेरे से बातें लेके फिर जाके सामने वाले को इन्फॉर्मेशन दे, बात करे, क्योंकि मैंने कभी किसी के लिए गलत नहीं किया है। लेकिन मेरे साथ गलत करने वाले को मैं छोड़ती नहीं, मुझे बहुत बुरा लगता है। क्योंकि इंसान को इंसान बना के रखना चाहिए, लेकिन एक बात, अघोरी से पंगा लेने से पहले 50 बार सोचना चाहिए मैं अघोरी हूँ। और दूसरी बात, थोड़ा ये केशव को भी आने में थोड़ा लेट फास्ट हो रहा है, क्योंकि टाइम हो चुका है, लास्ट टाइम है।
मैं तो झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे तो टाइम दिया है 10 फरवरी का डॉक्टर ने कि अगर नहीं हुआ तो 10 फरवरी को आप ऑपरेशन करा देना, लेकिन नहीं, मैं परसों पुत्रदा पुत्र यक्षिणी भी छोड़ूंगी। जो पुत्र यक्षिणी, ये जो सारी पूजा होंगी लास्ट परसों अमावस्या लेके पूर्णिमा तक की 15 दिन की जो सारी हवन हुए हैं, उसका रिजल्ट फलस्वरूप ये आएगा कि 24 घंटे में वो आदमी पागल हो जाएगा और उस 24 घंटे में वो कुत्ते के जैसा सब लोग मार खाएंगे जिन लोगों ने किया, मतलब खुद ही अपने आप में ही मार खाएंगे। जिस लेडीज के आज तक मैं पोल खोलने को सोच रही थी, पूर्णिमा के दिन ऐसा कुछ होगा पूर्णिमा के बाद कि वो रंगे हाथ पकड़ी जाएगी, रंगे हाथ पकड़ी जाएगी, मैं बोल रही खुला बोल रही हूँ, रंगे हाथ पकड़ी जाएगी, मेरा बॉडी वाला शख्स मेरा चंडाल खुद घुसेगा और पूरी दुनिया के सामने, मतलब पूरी दुनिया गिरा गिरा के मारेगी। ये बात होने वाली है, मैं बता रही हूँ, मजाक नहीं कर रही हूँ। अब ये ईगो वाली बात आ गई है, क्योंकि भाई बेशर्मी की हद होती है। किसी को दिखाना है, किसी को ये दिखाना है कि हम क्या करके दिखा सकते हैं। किसी ने आज मुझे कहा है ऐसा, तो मेरा बायोडाटा बताओ ना, मुझे पल पल का खबर बताओ कि पल पल आदमी क्या कर रहा है। तो हम पल पल की खबर नहीं बताएंगे, लेकिन हम तुमको पोल खोल के जरूर दिखाएंगे। ये बात तो मैं पक्का करके दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे को ऊंची आवाज और ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं लोगों के लिए मैं यहां से हाजिर रहती हूँ, लेकिन यहां गया तो ब्लास्ट। और दूसरी बात, केशव को आने में भी लेट हो रहा है, ये पुत्रदा ये सब अक्षयक्षणी छोड़ने के बाद ये 100% है कि 1 हफ्ते के अंदर आपका केशव कभी भी आ जाएगा, क्योंकि एकदम हालत पूरी आ गई है, मैं चल फिर नहीं पा रही हूँ। और ये जो लोगों ने मुझे उल्टा बोला है 2-3 दिनों में या जो भी है, उनको भी मैं छोड़ूंगी नहीं। ये चंडाल जब परसों छूटेगा तो देखना कौन कौन कैसे पागल होता है, मतलब ये दिखाऊंगी मैं, क्योंकि क्या विद्या देवी चीज क्या है, किसके माइके लाल में दम है कि विद्या देवी के घर तक आके दिखाए। क्योंकि मैं कभी किसी के लिए बुरा बोलती हूँ ना, मुझे किसी की गलत बात पसंद है, और ये सारा काम मैं परसों करूंगी। परसों क्या करूंगी मैं कुछ नहीं बताऊंगी, परसों बस ये अज्ञा बैताल चंडाल, चंडाल मेरी सबसे बड़ी ताकत है, चंडाल छोड़ूंगी मैं। क्योंकि आपको नहीं पता है मैं खुद ही एक पिचासनी हूँ बहुत बड़ी, मैं परसों चंडाल छोड़ूंगी। और चंडाल को अगर कोई रोक दिया तो मुझे नाम बता देना। अगर कोई इस दुनिया का कोई बड़ा से बड़ा पंडित, बड़े से बड़ा गुरु उसको रोक दिया, मैं उसको 1 करोड़ रुपया इनाम दूंगी, मेरा वादा है तुम लोगों से, क्योंकि मैं बहुत बेकार हूँ। अब ये आ गई है लास्ट घड़ी, क्योंकि अब मेरा आने वाला है केशव, तो मुझे केशव के लिए तो ये सारा काम करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे केशव की जगह तो कोई नहीं ले सकता, ये बात तो पक्की है। क्योंकि मैं नहीं चाहूंगी कि मेरे केशव की बराबरी किसी से करी जाए, क्योंकि मैं एकदम शुद्ध मतलब शुद्धता के साथ चीजें हैं। तो मुझे भाई अब पोल खोली, क्योंकि बेशर्मी की हद निकालें, और मुझे उन लोगों को भी बराबर करना है जो हमारे साथ रह के हमारे साथ बुरा करते हैं। मेरे को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है जो यहाँ की बातें वहां करते हैं। और ये बात मैं अभी भी बोल रही हूँ, जिसने किया उसी को बुरा लगना चाहिए, जिसने नहीं किया उसको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बात नहीं, अरे हमको क्यों, क्योंकि भोंकता वही है जो काटता है, जिसको लगता है कि हमने गलत किया, लेकिन ये जिसने नहीं किया उसके बाद ये वीडियो का फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन हाँ, चंडाल तो छूटेगा परसों, और बहुत जबरदस्त छूटेगा। मैंने पहले ही बोला, मेरे चारों बच्चे जो भी केशों के साथ, चारों बच्चे और केशों के पापा तक कोई आने की कोशिश करेगा उसकी 7 पीढ़ी बिगाड़ दूंगी मैं। और ये जो बार बार रुकावटें आती ना, ये बोलो ना आप कि क्योंकि ग्रहों की शांति की पूजा होगी, सब होगी, और गारंटी आप लिख के लेना विद्या देवी, वादा करिए पूर्णिमा के बाद अगर 1 हफ्ते के अंदर अगर आपका केशो नहीं आया ना, तो आप मेरे को बोलना कि विद्या देवी क्या बोली थी, क्योंकि केशो तो आने ही वाला है, नॉर्मल तरीके से आएगा। क्योंकि पुत्रदा यक्षिणी जब छूटेगी ना, हर तरह का काम होगा। मतलब इसमें क्या होगा मालूम है, जब चंडाल अज्ञा वैताल सब छूटेगा ना, तो जितने लोगों ने गलत किया, जितने लोगों ने बातें इधर से उधर किए ना, वो अपने मुंह से खुद बातें कबूल करेंगे, या तो उनके साथ जो होगा वो ऊपर वाला जानता है, वो तो मैं भी कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि मेरा चंडाल और ये लोग क्या करेंगे ये तो मैं कुछ नहीं बोल सकती। ये अब वो करके दिखाएंगे कि क्या करके दिखाएंगे परसों। अभी देखो कल धूमावती का किया है, असर चालू हो गया है। आप किसी के ऊपर झगड़ा लगाने की कोशिश करोगे, आपके घर में झगड़ा होगा। आप बुरा सोचने जाओगे, आपके साथ बुरा होगा। जो करो, क्योंकि मैं पूरी दिशा 10 दिशाएं बांध के काम करती हूँ, क्योंकि मैं गलत नहीं करती हूँ। ये शक्तियां बहुत पावरफुल है, ये शक्तियां ऐसी हैं आदमी को करोड़पति भी बना देती हैं। और अगर इनके आका को, जो इनको सिद्धि किया है, अगर इन तक कोई आएगा तो उनकी हस्ती मिटा देती है। ऐसी हस्ती मिटाएंगी, मारेंगी नहीं, रोड का भिखारी बना देंगी, रोड पे मारेंगे, रोड पे घूम घूम के मारेंगे लोग। ऐसा है, मैंने ऐसी ऐसी शक्तियां नहीं, मैं तो अभी चंडाल का बता रही हूँ। मेरे पास तो ऐसी गंदी गंदी शक्तियां हैं ना, जो आदमी को चारों खाने चित्त कर दे। मेरे गुरुजी बोलते थे हमेशा मेरे पापा को कि ये हमारी पिचासनी है, तो मैं डरती नहीं हूँ। लेकिन ये बहुत बहुत बड़ी पूजा होने वाली पूर्णिमा को, और क्या क्या होने वाला है वो मैं बताऊंगी नहीं, डायरेक्ट मैं वीडियो डालूंगी। वीडियो देखना आप, जरा वीडियो देखना। और ये जिस महाशय ने मुझे व्हाट्सअप किया था, तो भाई शक्तियों को कोई कैमरे में कैचअप नहीं कर सकता।
क्योंकि जब तक आप शक्तियों को कैमरे में कैचअप करने जाओगे तब तक आपका मोबाइल छोड़ो आप ही गायब हो जाओगे। ऐसा नहीं हो कि आपकी आत्मा को लेके वो चल देगा। हम लोग घेराबंदी में बैठ के शक्तियों से बात करते हैं, भले मैं इतनी बड़ी पुजारी हूँ लेकिन तो भी मैं भी घेरेबंदी में बैठ के शक्तियों से बात करती हूँ, समझे। ये सब खाने की चीज़ें नहीं, अब घेरेबंदी के घेराबंदी मत करो और उनको बुला के बात करो। देखो अगर आपके पास चढ़ के बैठ गए कोई माइकल है, अभी हमारे गुरु जी थे वो बोली जो गुजर गए बाबा जी, वो तो उन्होंने किसी का मूठ उतार रहे थे, किसी का बहुत गंदा चीज़, कितना थोड़े पैसों के लालच में मूठ उतारने का, और गलती से अपना तावीज़ वावीज़ बाथरूम में लटका दिया था। थोड़े से पैसों के लालच में गए क्योंकि बंदिश नहीं तोड़नी चाहिए, अपनी बंदिश नहीं हटानी चाहिए, वो उनकी गलती नहीं थी, वो बहुत अच्छे थे, लेकिन उनकी गलती कितनी सी हो गई कि उन्होंने अपना बंदिश हटा दिया। ये हम अपने शरीर से बंदिश देखो कभी नहीं हटाते, क्यों नहीं हटानी हम। और बाकी भे जो करने वाली हो तो मेरा तो मंत्र जानते हो, हम छुड़ाए तो छूटे, उस्ताद छुड़ाए तो छूटे, दूसरा छुड़ाए तो उखड़ पड़े। तो भाई आने वाला है केशव, केशव आते मान यही बोलेगा स्वागत नहीं करोगे हमारा, तो मेरे केशव की कोई बराबरी करे इतना तो किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है। मेरा केशव वन मैन शो सिर्फ अपने केशव के पप्पा का है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, उसमें कोई वो नहीं है। तो अब भाई आ गया है टाइम फुल एंड फाइनल पिक्चर का, क्लाइमेक्स का। और ये बात है कि ये हो गया शक्तियों का पूरा आवाहन पूरे साल का, क्योंकि केश होने के बाद शायद दो तीन महीना में कोई इस बार कोई होली पे पूजा नहीं होगी, कोई पूजा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ज़रूरत ही नहीं है, अब तो लोगों के भला ऐसे ही होगा। और शक्तियाँ क्या करके दिखाएंगी वो पूर्णिमा के दूसरे दिन पता चलेगा, क्योंकि ये जो शक्तियाँ एक्टिवेट होंगी वो 72 घंटा भी नहीं लेती हैं, वो 72 घंटे में, मतलब 72 घंटा बहुत दूर की बात है, वो जैसे ही हवन होगा, हवन होते ही 24 घंटे में क्या कमाल दिखाएंगे वो मज़ा देखना, कैसे लोग पागल होंगे, कैसे क्या होगा, रैशेस होंगे, क्या क्या होगा। क्योंकि मुझे बहुत गलत बात है कि हमसे भी अच्छे रहो वहाँ भी अच्छे रहो, दोनों जगह अच्छे बन के अपनी पोल खोलो, तो हम तुम्हारी पोल खोलेंगे, बच के दिखाओ, जो किया उसको भरो, मैं कुछ नहीं कर सकती, सॉरी। जय माँ बगलामुखी, जय महेंद्रवासिनी, ये सब करने पर मुझे आप लोगों ने मजबूर किया है और ये मैं कर रही हूँ। मुझे ये अब मुझे ना मुझे जिन पे शक है, देखो आमे के आईने अमलियत में शक्ल देखती हूँ, लेकिन मुझे अब आईने अमलियत से बाहर उन शक्लों को लाना है। मैं चाहती हूँ कि यहाँ आके दरवाजे पे नाक रगड़ के बोले कि हमसे गलती हो गई, और रगड़ के क्या हो, तो मेरा चंडाल जब अंदर जाएगा तो चंडाल को तो मैं ही निकाल सकती हूँ बाहर। हम छुड़ाए तो छूटे, उस्ताद छुड़ाए तो छूटे, दूसरा छुड़ाए तो स्वाहा उखड़ पड़े, मेरा चंडाल नहीं छोड़ेगा, ये देखो। और अज्ञा बेताल वो तो दूर खड़े खजाने को ला सकता है, तो वो दूर पड़े आदमी को नहीं, मिट्टी चटा चटा के, मतलब कहते हैं ना इतने सारे भूत प्रेतों को अंदर छोड़ा जाएगा ना कि बाप रे बाप, मतलब इंसान आप मानिए मीरिया दातार में खड़ी रहती थी ना, इतने सारे भूत प्रेत नाचते थे, मैं आराम से खड़ी रहती थी, कोई मेरे से आँख नहीं मिलाता था, क्योंकि उनको पता है उनका आका खड़ा है, मैं तुम सबकी बाप हुए मामले में। तो देखो ये बाप क्या करके दिखाते हैं। जय माता दी।